अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल हैं आपके? उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। तो जैसे कि आप जानते हैं कि इंग्लैंड जो है वो बहुत बड़ा है, लोग यहाँ पर आते हैं सैर व तफरीक के लिए, कुछ पाकिस्तान से, कुछ इंडिया से, कुछ बांग्लादेश से स्टूडेंट्स पढ़ने के लिए आते हैं। आज हम आपको एक दिल अजीज़ शख्सियत से मिलाएंगे, जिसे हम पाकिस्तान में शेख अफजल मरवत के नाम से भी हम जानते थे उसको। तो वो अपने अंदाज़ में आएंगे, आज हम उसका इंटरव्यू भी करेंगे और हम आज उससे पूछेंगे भी कि वो कैसा फ़ील कर रहे हैं यहाँ पर। उम्मीद है कि वो आपको भी समझ आ जाएगी कि वो अच्छा ही फील कर रहे होंगे। तो हम अपनी भरपूर तालियों के साथ बुलाते हैं मिस्टर असद। हेलो हेलो, हाउ आर यू ब्रो? आई एम फाइन, यस, दिस इज असद। हेलो एवरीवन। असद, वेयर यू फ्रॉम? या आई एम फ्रॉम पाकिस्तान। ओके, व्हिच सिटी? सिटी बहावलपुर। ओके ओके, तो हम उर्दू में बात कर लें? या श्योर। ओके, थैंक यू सो मच। असल में वो इंग्लिश है ना आपकी, वो ख़त्म हो रही थी, मैं इसलिए मैंने सोचा, मैंने कहा उर्दू में हम। नहीं नहीं, मेरी इंग्लिश थोड़ी अभी चलनी थी। तो कैसे हैं आपकी गवर्नमेंट में, कैसे हालात चल रहे हैं भाई? गवर्नमेंट के हालात ठीक चल रहे होते तो हम इधर क्या कर रहे होते। ओके ओके ओके, सही। असल साहब, आपको सबसे पहले तो खुश आमदीद यहाँ पर। तो कैसा फील कर रहे हैं आप यहाँ पर आके, कि कैसा माहौल है यहाँ का? ब्रो अभी जस्ट 3 दिन हुए मुझे आए हुए। अच्छा, कह सकते हैं कि जो है ना, वो एक जो कुछ यादें होती हैं, कुछ याद आ रही होती है घर की, वो एक क्या कहते होते हैं उसको, होम सिकनेस। या होम सिकनेस, वो चीज़ें हैं अभी थोड़ी थोड़ी। ओके, लेकिन टाइम के साथ साथ सब कुछ बेटर होता जाएगा। जो अपॉर्चुनिटी मिल जाए, यूनिवर्सिटी स्टार्ट हो जाए, तो एक रूटीन सेट हो जाएगा, तो जिसमें काफ़ी चीज़ें जो है ना वो बेटर होती जाएंगी। बाकी जो ओबियसली हर कोई आता है, मोस्टली अब हर पाकिस्तानी स्टूडेंट की ख्वाहिश है कि वो जो है ना वो अपने पाकिस्तान से मूव करके किसी यूके या किसी भी यूरोपियन जो है ना वो कंट्री में जाए, ताकि वो अपने लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी जो है ना वो अवेल कर सके। अच्छा, तो आपको कैसा लगा, मतलब लाइक आपको यहाँ का मतलब खाना वगैरह कैसे लगा? सबसे पहली बात तो ये है ना कि आप यहाँ पर आ गए हैं, वो तो गुड वेलकम आपका। तो खाने वगैरह के हवाले से क्या सीन है? खाना ब्रो ऐसा है कि जैसे मैंने अभी बताया कि मैं 3 दिन पहले आया हूँ, तो अभी तो डेली एक जो है ना वे सबसे बड़ी कोशिश ये होती है कि कोई अच्छा और हलाल जो है ना वो रेस्टोरेंट मिल जाए, जहाँ से अच्छी और जो है वो फूड मिल जाए, खाना मिल जाए, और जो हो भी थोड़ा चीप। क्योंकि अभी जो पॉकेट में है ना, वो वही कुछ ऐसी भी बात करूँगा जो घर से लेके आए थे। सही है ना? तो इसी कोशिश में जो है ना वो अभी लगे हुए हैं कि कहाँ कहाँ से अच्छा खाना मिल सकता है। अच्छा साहब, आपको कितने दिन हो गए यहाँ पर जॉब तलाश करते हुए? मतलब 3 दिन तो चले आए हुए हो गए, उम्मीद है कि आपने चले एक दिन रेस्ट किया, तो 2 दिन हो गए आपको जॉब तलाश करते हुए। तो क्या रिस्पांस है यहाँ के लोगों का जॉब के? रिस्पांस क्योंकि अब हर दिन बहुत सारे जो है ना वो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो है ना वो यूके आ रहे हैं, तो हम तो एक टाउन में रह रहे हैं, तो ऑब्वियसली अभी 2 दिन है, तो हमने अपने जो है ना वो टाउन में ही जॉब हंट की है। ओके, तो इधर की अभी कुछ सूरत हाल ऐसी है कि हर दुकानदार यही कहता है, जो कि हम देखते भी हैं कि अभी बहुत ना क्वाइट है, मतलब बहुत ज़्यादा जो है ना वो नहीं है, कस्टमर्स नहीं है शॉप्स पे। तो जाहिर बात है जब इतने कोई कस्टमर्स नहीं आ रहे, तो वो उनके लिए भी हायरिंग जो है ना वो बड़ी मुश्किल होती है, उन्होंने सैलरीज देनी होती है। गुड, तो अभी ये हालात हैं, होप फॉर द बेस्ट, इंशाल्लाह जो मिल जाएगी। अच्छा साहब, आपको वेदर कैसा लगा यहाँ का? वेदर ब्रो जब पहले दिन आया था तो लगा था कि यार क्या बनेगा। अच्छा, तो आज जो है ना वो रब तआला का एहसान है कि थोड़े धूप देखनी पड़ी है। ओके, तो देख रहे हैं, धूप इंजॉय कर रहे हैं। बल्कि अभी थोड़ी देर पहले मैं अपने कुछ दोस्तों के साथ ही वो इसी पार्क में थोड़ा उधर जाके हमने ऑयल लिया है, वो जिसको सरसों का तेल कहते हैं। वाकई सर में वो जो है ना वो यार देसी बंदे हैं, तो वो सारी चीज़ें मिस करते हैं। अच्छा अच्छा, तो अच्छा, हमने वो जो है ना वो ये कुछ किया, धूप इंजॉय किया सारा दिन। ऊपर से फ्राइडे था, जुमा था, तो जुमा पड़ा, तो ये सारी चीज़ें हैं। वेदर अच्छा है इधर का, लेकिन अब जैसे जैसे आगे टाइम आता जाएगा, अब अक्टूबर है, नेक्स्ट नवंबर दिसंबर में सर्दी जो है ना वो बढ़ती जाएगी, लेकिन देखते हैं क्या बनता है। अच्छा साहब, यूनिवर्सिटी का माहौल कैसा लगा आपको? यूनिवर्सिटी अभी एक ही दिन गए हैं, रजिस्ट्रेशन करवाने गए हैं, लेकिन जो अभी तक देखा है कि यार बहुत अच्छा है। क्योंकि जो एक वो कम्प्लेक्स था ना माइंड में, जो डर था कि पता नहीं क्या बनेगा, कम्युनिकेशन बैरियर है एक, सही है, क्योंकि हम देसी हैं, जितनी भी कोशिश कर सकें फिर भी हमें कुछ जो है ना वो हमारी इंग्लिश अड़ भी जाती है, और सुनते हुए भी बहुत सारी बातें होती हैं जो समझ नहीं आती। लेकिन रजिस्ट्रेशन करवाने गए, उधर का जो स्टाफ था ना
वो उम्मीद से सोच से बहुत ज़्यादा जो है ना वो कोऑपरेटिव था। वाह क्या वो हर जो है ना स्टेप पे हमें जो है ना वो गाइड कर रहे थे, बल्कि उन्होंने वो सारी लेडीज़ फीमेल और मेल्स जो है ना वो उधर अपॉइंट किए होते हैं कि जो स्टूडेंट्स को गाइड करते हैं कि व्हाट टू डू नेक्स्ट, तो बहुत अच्छा कोऑपरेटिव स्टाफ था। थैंक यू सो मच असद साहब फॉर वेलकम टू इंग्लैंड। उम्मीद है कि आपका आगे वाला सफ़र भी अच्छा रहेगा, तो हम आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप वहाँ से इतनी दूर से यहाँ पर तशरीफ़ लाए हैं, तो उम्मीद है कि आप सब आगे भी बेहतरी करेंगे। ओके ब्रो, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, नाइस टू मीट यू। ओके एक मिनट वो भी बंद कर, हम साड़ी एक पिक्चर बनानी है असद।